राजघाट थाने की पुलिस ने 3 महिलाओं को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SPCD डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि राजघाट पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 3 महिला नौसड़ की तरफ से एक बैग में गांजा लेकर शहर में घूम घूम कर बेचने की फिराक में है, पैडलेगंज की तरफ जा रही है, जिससे राजघाट थाना प्रभारी राजेश पांडे अपनी टीम के साथ गायत्री शक्तिपीठ के पास महिला का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद महिला आती हुई दिखाई दी, मुखबिर ने इशारा किया, महिला आरसी द्वारा महिला को पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान आरती निषाद निवासी बहरामपुर दक्षिणी थाना गीडा, पूजा निषाद और सोनी निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट तथा किरण देवी निवासी चक्रा अव्वल थाना राजघाट के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने 1110 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। तीनों महिलाओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजघाट राजेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक अवधेश चंद मिश्रा, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार तिवारी, कांस्टेबल अंजनी राय, महिला कांस्टेबल परमिला शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, ये SSP साहब द्वारा लगातार चलाए जाए अभियान के अंतर्गत राजघाट थाना को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो जिनके द्वारा मादक पदार्थों का विक्रय किया जाता था तथा उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये मुखबिर खास की सूचना पर चौकी प्रभारी TP नगर तथा राजघाट थाना प्रभारी द्वारा वहाँ पर पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। ये 2 महिलाएं रहीं, पूजा निषाद और किरण देवी। इनके पास से गांजा बरामद होने के थोड़े ही देर बाद इन्हीं के सूचना के आधार पर दोबारा फिर एक और व्यक्ति आरती निषाद से भी इसी प्रकार गांजा बरामद किया गया है। इसमें जो आरती निषाद अभियुक्ता गिरफ्तार हुई हैं, इनके ऊपर पूर्व में गीडा से भी मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। ये इस तरह के आपराधिक कृत्य में लगातार लिप्त रही हैं और इन तीनों के विरुद्ध NDPS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये सभी अभियुक्तों से अलग अलग मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, 1300 ग्राम, 1150 ग्राम और 1110 ग्राम, इन मात्राओं में ये गांजा बरामद किया गया। ये अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके बैकवर्ड लिंकेजेस भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और इस बैकवर्ड लिंकेज के क्रम में ही दूसरा मुकदमा जिसमें आरती निषाद गिरफ्तार की गई हैं, जो पहले भी गीडा से इसी मामले में जेल जा चुकी हैं, अन्य 2 जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।